माता स्वर्गीय परमेश्वरी देवी की 12वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नालंदा स्थित अपने पैतृक घर हरनौत प्रखंड के कल्याण बिघा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने वैद्य रामलखन सिंह स्मृति वाटिका में सबसे पहले अपनी माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की, इसके बाद घर के पास स्थित तालाब का जायजा लिया। नीतीश कुमार सीधे किसी से मिलने से बचते रहे, यहां फरियाद लेकर कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। उनके आवेदन एक अधिकारी ने संग्रह किए। सीएम के साथ उनके पुत्र निशांत कुमार एवं बड़े भाई सतीश कुमार समेत अन्य लोग भी थे। कुछ देर रुकने के बाद सीएम वहां से पटना के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, हरनौत विधायक हरिनारायण सिंह, हिलसा विधायक प्रेम मुखिया, अस्थावा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जदयू नेता विनोद मुखिया, चप्पू सिंह, अजय यादव, बिपिन यादव, भवानी सिंह, राकेश पटेल उर्फ राकेश मुखिया, नवीन सिंह, उप प्रमुख राकेश रंजन समेत कई जदयू कार्यकर्ता व अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस मौके पर माता परमेश्वरी हम सब लोग उनके चरणों में फूल चढ़ाने के लिए आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त करने के लिए आए हैं और बिहार वासियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। बिहार सुखमय रखिए, बिहार की तरक्की हो, बिहार की वृद्धि हो, आपस में मिलत हो, आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, इस के लिए उसे प्रार्थना भी करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के माता जी परमेश्वरी देवी जी का 11वां पुण्यतिथि है और 1 जनवरी भी है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हर साल की भांति इस साल भी यहाँ माता से आशीर्वाद लेने और बिहार की उन्नति और प्रगति के लिए यहाँ हम लोग आते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि बिहार की उन्नति हो, प्रगति हो, हम लोग स्वस्थ रहें, बिहार स्वस्थ रहे, इसी के लिए यहाँ आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमकी आत्मा को शांति।